ये खास करके ये चार जिला, बगल का तीन जिला, सात जिले में हिंदुओं की घटती हुई आबादी, ये चिंताजनक की बात है। पूर्णिया के कई इलाकों में लोग अब वही हाल कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है, और ये दुखद है। इसीलिए मैं प्रथम फेज में 5-7 जिलों का दौरा करूंगा, भागलपुर से शुरू करूंगा, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, और ये जब तक भारत के अंदर सनातनियों का बहुमत है तभी तक भारत में लोकतंत्र अक्षुण है। क्या लग रहा है इस तरह, मान आपकी सरकार के तीसरा टर्म है लेकिन इस पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, क्या लग रहा है, कहाँ चूक हो रही है? वोट के सौदागर एक बार चिल्लाना शुरू करते हैं, अगर बब वोट जैसा लैंड जिहाद करने वाला संगठन मुख्य कानून छो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पक वोट क्या था, ये जमीन मेरा है, जमीन उसका हो गया। अब आप साबित कीजिए, क्या इस कानून में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या उसमें गरीब मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, महिलाओं को नहीं होना चाहिए? पक वोट क्या था, यही तो है। सारे ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल यादव, सब लोग, राहुल गांधी, सब लोग यही करने लगे। क्या इसमें कुछ कठोर कानून बनाने की जरूरत है? देखिए, इसमें भी कठोर कानून बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कड़ा कानून बनाने की। अगर देश में यूनाइटेड नेशन 2011 में कहा था कि भारत की यही वृद्धि दर रहा तो 27 में चाइना को पीछे छोड़ देगा, लेकिन हम 23 में ही पीछे छोड़